अग्नि विचार आयुर्वेद की एक विशेषता। जी हाँ दोस्तों, अग्नि, अग्नि के बारे में आज हम जानेंगे। ये अग्नि क्या है? ये अग्नि हर जीवित प्राणी के शरीर में होता है। जन्म के पहले और मृत्यु तक यह अग्नि हमारे साथ होता है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अग्नि विचार, द कंसेप्ट ऑफ अग्नि इन आयुर्वेदा, यह एक आयुर्वेद की विशेषता है। यह संकल्पना जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद शास्त्र की, अन्य किसी मेडिकल साइंस में इसे माना नहीं है, देखा नहीं है, उनको मालूम नहीं है, तो यह एक आयुर्वेद की विशेषता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा, यह वीडियो आपने अंत तक नहीं देखा, तो यह आपके शरीर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिस करने वाली है, इसलिए स्टे ट्यून विद अस। तो दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हम पर काल का परिणाम होता रहता है, तो ये काल का परिणाम जो होता है, ये हमारे शरीर में जो अग्नि होता है उसके फलस्वरूप ये होता रहता है। फलों का पकना, जो नेचर में जो कली होती है, वो कली का फूल होना और बाद में मूर्छा जाना, मतलब ये सब जो है, ये उसमें जो अग्नि होता है उसकी वजह से ये होता रहता है। निसर्ग का नियम है उत्पत्ति, स्थिति और लय, एक क्षण में उत्पत्ति, दूसरे में स्थिति और तीसरे में लय होता रहता है। तो यह जो सिद्धांत है, यह शास्त्र सिद्धांत हर वो जीवित प्राणी के लिए, हर वो वनस्पति के लिए और हर दुनिया में हर चीज़ के लिए, चाहे वो सब सजीवों के लिए लागू होता है। यह विषय जो है दोस्तों, यह अग्नि का विचार जो है, अग्नि विचार, यह ध्यान में आना जरा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसलिए आप प्रयास कीजिए, क्योंकि यह हम लोगों को भी ध्यान में आने के लिए कम से कम 25-25 साल लग जाते हैं। तो ये मैंने इसका पूरा सार लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस अग्नि को मैं इस वीडियो में जो अग्नि की बात कर रहा हूँ, वो अपने जठराग्नि, मुख्यतः जठराग्नि, मतलब जो हमारे स्टमक में होता है, जो हमारे आहार को पचाता है, उस अग्नि के बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, अग्नि मतलब आपके ध्यान में आया होगा, अग्नि मतलब आग, जो एक्सटर्नल फायर होती है, जो आपको घर में चूल्हे में दिखती है, वो फायर अलग होती है, और ये फायर अपने जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अग्नि की, ये अलग है, ये हमारे शरीर में होती है। तो ये इसको आप समझिए, इसको शरीर को जो अग्नि है, जो हमारे जठराग्नि है, उसको भगवान का दर्जा दिया गया है, अहम वैश्वानर वो अग्नि ही, मतलब जो विश्वानर का पुत्र है वैश्वानर, वो हमारे शरीर में मौजूद है, और यह जो शरीर का भगवान जिसे कहा है अग्नि को, ये पाचक पित्त है, ये जठराग्नि को भगवान कहा गया है, और यह जो अग्नि है, यह अग्नि ही मनुष्य को पितृलोक में और देवलोक में ले जाता है, ये अग्नि का काम होता है। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा है कि जब मृत्यु के बाद में उसे दहन संस्कार किया जाता है, जो षोडश संस्कार है, अंत्य संस्कार, तो उसमें दहन किया जाता है, वो इसीलिए कि वो यह अग्नि जो होती है एक्सटर्नल फायर, तो यह अग्नि विश्वानर जो होती है, यह मनुष्य को पितृलोक में और देवलोक में ले जाती है। तो इसके बारे में सुश्रुत जी ने कहा है, जाठरो भगवान अग्नि ईश्वर अन्य से पाचक साक्षात रसान आददान वैवक्तुम नैव शक्यते, मतलब यह जो जाठर का अग्नि है, इसे भगवान कहा गया है, यही अन्न का पाचन करता है और यही सूक्ष्म रूप से रस को पैदा करता है और शरीर का पोषण करता है। यह अग्नि की जो यह संकल्पना है, तो यह अग्नि की संकल्पना एक यूनिक है, अनपैरेलल है और यूनिवर्सल है, जो अन्य किसी भी मेडिकल शास्त्र में नहीं है, किसी शास्त्र में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सिर्फ वो उसको डाइजेशन और अनडाइजेशन, इसके अलावा उनको दूसरा कुछ मालूम नहीं है, अन्य शास्त्रों की मैं बात कर रहा हूँ तो। लेकिन आयुर्वेद में इसको भगवान कहा है, और सब रोगों की जड़ यही अग्नि है, वो कैसे मैं विस्तृत में आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, हमारे साथ बने रहिए। यह अग्नि का जो सिद्धांत है, यह शाश्वत है, यह सभी जीवित प्राणी धारण करते हैं। जैसे ब्रह्मांड में सूरज है, वैसे ही हमारे शरीर में जो अग्नि है, जो सूरज का काम है ब्रह्मांड में, वही ये अग्नि पित्त के द्वारा हमारे शरीर में काम होता है। पित्त रिप्रेजेंट द अग्नि इन आवर बॉडी, पित्त के सिवाय पाचन हो ही नहीं सकता है। जठराग्नि सूर्य की तरह शरीर में कार्य करता है, सूर्य का सूक्ष्म अंश ही यह जठराग्नि है, सूर्य और जठराग्नि दोनों ही अग्नि पैदा करता है। पाचन और वृद्धि कराना ये अग्नि का काम होता है दोस्तों, अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो जीवन समाप्त हो जाता है। भागवत जी ने बहुत अच्छा कहा है, तस्मात अग्नि पालयत सर्व यत्नै तस्मिन् नष्टे याति नाशम एव तस्मिन् ग्रस्ते ग्रस्यते रोग संदेह युक्ते तु स्यात् निर्जो दीर्घजीवी,
भागवत गीता स्थान में कहा गया है, अग्नि को प्रयत्न पूर्वक संभालना चाहिए, उसके नष्ट होने पर जीवित नष्ट हो जाता है, उसके दूषित होने पर रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए अग्नि को बिल्कुल पुत्रवत गुरुवत उसको संभालना चाहिए। सही इस्तेमाल से अगर हम अग्नि को संभालते हैं तो दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। और कहा भी है सर्वह रोगे अपि मंदाग्नौ, मतलब सब रोगों की जड़ जो है वो मंद अग्नि है। अब इसके अग्नि के कौन से प्रकार है क्या है वो डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जीवन का यह एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है दोस्तों, जीवन भर यह मेंटेन होता रहता है। शरीर में कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो हमारे तापमान में गड़बड़ी हो जाती है। अग्नि विचलित होता है तो शरीर मन विचलित हो जाता है। अग्नि प्राकृत रहता है तो शरीर प्राकृत होता है और व्याधि भी नहीं बनती है, हमारी इम्यूनिटी कायम बनी रहती है। और कोरोना के काल में तो हमने देखा कि इम्यूनिटी के लिए कितने लोग उतावले हो रहे थे, तो ये अग्नि है उसके पीछे जो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखता है। जिसका अग्नि तीक्ष्ण है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जो हुशार व्यक्ति होता है वो अग्नि प्राकृत रहने में सतर्क रहता है, वो कभी अपने अग्नि को खराब नहीं होने देता। चेहरे पर तेज ये सब आना, हमको प्रभा मिलना, ये सब हमारे ये अग्नि पर ही निर्भर करता है। अग्नि से कोई दूर है तो कोई पास है, लेकिन इस तरह हमारे शरीर का सब चीज़ें अग्नि से जुड़ी हुई है। जैसे गर्भ में जीवन का स्थापित होना, गर्भ में जीवन कैसे स्थापित होता है, प्राणों का स्थापना कैसे होती है, उसके बारे में कहा है कि तथा तेजो अनिलाह सन्निपाता था शुक्र योनिम अभिप्रपद देते संसुज्यते आर्तवेन। मतलब जब कंसेप्शन होता है स्पर्म का और ओहम का जब मिलन होता है तो उसमें तेज अग्नि और वायु इनका अनुष्ठान होता है और एक साथ ये आते हैं और तब गर्भजीव बनता है। तो मतलब और अग्नि जब नष्ट हो जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। और हम देखते भी है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कि जब आदमी इंसान मर जाता है तो उसकी एक्सट्रीम जो उसकी बॉडी कोल्ड हो जाती है, उसको बॉडी कहना लग जाते हैं, हम उसके नाम से नहीं पुकारते, बॉडी कहना शुरू कर देते हैं। उसकी एक्सट्रीमिटीज कोल्ड हो जाती है तो उसके शरीर का जो अग्नि होता है वो बुझ जाता है, बुझने के कारण कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो जाती है और इसलिए उसे बॉडी कहते हैं और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और दोस्तों ये अग्नि का जो स्थान है ये रक्त कहा गया है, जो हमारे शरीर में अग्नि एक तरह से दौड़ता रहता है और मृत्यु के बाद अग्नि शांत होने के बाद में मृत्यु हो जाती है तो ये खून का दौड़ना बंद हो जाता है, इसलिए शरीर ठंडा गिर जाता है। मतलब ऐसा है कि जीवन के शुरुआत से लेके अंत तक हमारे शरीर में अग्नि होता है। यह तो अग्नि हमें क्या देता है, तो सबसे पहले तो डाइजेशन देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन देता है, हमें सुंदरता प्रदान करता है, हमको एनर्जी देता है, नॉर्मल ग्रोथ हमको अग्नि की वजह से होता है। जिस लोगों में जिन बच्चों में नॉर्मल अग्नि होता है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, जिनमें को क्रूश कम होता है वो क्रूश होते हैं। ये अग्नि हमें लॉन्ग हेल्दी लाइफ देता है, स्प्लेंडर लस्टर ब्रिलियंस इंटेलेक्चुअलिटी जो जिसे हम साधक पित्त के लिए वो हमें देता है। इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत से पुस्तकों का नाम फलाना डाइजेस्ट तलाना डाइजेस्ट ऐसा होता है, तो उसके नाम में डाइजेस्ट क्यों होता है, क्या वो उसे हम खाते हैं, क्या हम उसे पचाते हैं? तो नहीं दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में जो साधक पित्त होता है उसके जरिए हम उसे पचाते हैं, हमारे ब्रेन में एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उसे नाम डाइजेस्ट दिया जाता है। धातु सारता देता है, दृष्टि का तेज देता है, और क्या क्या नहीं देता ये अग्नि, तो ऐसा ये हमारा अग्नि है। इसमें चिकित्सा का भी चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका अन्य साधारण महत्व है दोस्तों। शरीर के अग्निनुसार औषधि चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा विधान आयुर्वेद में कहा गया है। अन्य शास्त्र में बिल्कुल ऐसा नहीं है, अग्नि विचारी नहीं है, तो इसलिए आपके शरीर की स्थिति क्या है वो न जानते हुए सब घोड़े 12% इसके हिसाब से अगर कोई समझ लो राजयक्ष्मा कॉक्स का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, उसका अग्नि कौन सा है उसके हिसाब से न विचार करते हुए सबको एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग देना ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए बहुत से लोगों को ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि उसको जिंदगी भर खाने पड़ते हैं एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स, और किसी को फर्क रहता है तो किसी को बिल्कुल नहीं पड़ता, और बहुत सारे लोगों को तो जिंदगी भर खानी पड़ती है। तो अग्नि विचार न होने के कारण ये सब होता है, तो इसलिए अग्नि विचार का अनन्य साधारण महत्व चिकित्सा शास्त्र में है और आयुर्वेद में तो अग्नि के हिसाब से ही ट्रीटमेंट की जाती है। पंचकर्म के पश्चात हम संसर्जन क्रम देते हैं, वो क्यों देते हैं, क्योंकि पंचकर्म के बाद में अग्नि कम हुआ होता है, इसलिए उसे हम संसर्जन क्रम से थोड़े थोड़े मात्रा में और पचने में हल्के ऐसे पदार्थ देने शुरू कर देते हैं, उसे संसर्जन क्रम कहते हैं। औषधि निर्माण के बारे में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अग्नि का भी अनन्य साधारण महत्व है। अग्नि से हम औषधियों पर निर्जीव औषधियों पर भी संस्कार करते हैं, उसमें सूक्ष्मत्व लाते हैं, पोटेंसी पैदा करते हैं, इसलिए आयुर्वेद की दवा को साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते हैं, उसमें चैतन्यता लाते हैं। अन्य शास्त्र में ये विचार न होने की वजह से ये उनकी दवाई चैतन्यमय नहीं होती है।
आयुर्वेद की दवा के बारे में मैं जो मिनरल ड्रग्स होते हैं, विषारी द्रव्य जो होते हैं, धातु होते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, अर्सेनिक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कॉपर हो गया, इनमें अग्नि संसार के कारण उनमें जो विष होते हैं वो विष नष्ट हो जाते हैं, उनमें शुद्धता आती है और औषधि गुण जो कि त्यों बने रहते हैं उल्टा औषधि गुण बढ़ जाते हैं। ऐसे ये अग्नि संसार से ये बातें हमें औषधि में मिलती है। आजकल की दवा में अग्नि संस्कार नहीं होते हैं, इसकी वजह से उनमें साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सादा सा उदाहरण दूंगा। आजकल हम गैस के पर पकाया हुआ खाना खाते हैं, अगर हम किसी दिन चूल्हे पर पकाया हुआ खाना खाते हैं तो टेस्ट कितनी अलग होती है। तो इसलिए आजकल होटल में भी चूल्हे पर खाना मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि चूल्हे में के अग्नि में और गैस के अग्नि में वही फर्क होता है, टेस्ट में फर्क होता है। सो अग्नि इज द सुप्रीम पोटेंशियल प्रीवेलिंग प्रिंसिपल विच कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये जो अग्नि है ये अकेला नहीं आता, अकेला नहीं होता, इसके साथ में कोई ना कोई होता ही रहता है। अग्नि संस्कार से न खाने लायक चीज़ें, न पचने लायक चीज़ें भी अग्नि संस्कार से खाने लायक और पचने लायक होती है। दोस्तों ऐसा जो अग्नि है ये हमारे शरीर में 13 प्रकार का होता है, एक जठराग्नि होता है, 7 प्रकार का धातु अग्नि होता है जो सप्त धातु कहे गए हैं, और पंचभूताग्नि जो 5 होता है, ऐसे 13 13 प्रकार का अग्नि होता है। तो जो जठराग्नि होता है वो मुख्य होता है, जो हमारे स्टमक में होता है। इस अग्नि का जो अग्नेशय शरीर में हर चीज़ के लिए आशय बनाया हुआ है, तो ये अग्नि के लिए भी अग्नेशय है, जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम डायबिटीज के पेशेंट ज़्यादा देखते हैं, वो इसलिए कि ये अग्नि बुझ जाता है, ये अग्नि को हम संभालते नहीं है, इसलिए हमें डायबिटीज होता है। ये अग्नेशय में जो पैनक्रियास जूसेस होते हैं, इंसुलिन सिक्रेशन का काम जो होता है ये पैनक्रियास नहीं कर सकता है, उसके लैंगरहंस की जो बीटा सेल्स होते हैं ये नहीं कर पाते, अग्नि बुझ जाता है, इसलिए इंसुलिन सीक्रेट न होने की वजह से हमें डायबिटीज होती है, इसीलिए उसको अग्नेशय कहते हैं। दोस्तों तो आप अग्नि को सतर्कता से संभालिए तो आपको डायबिटीज की जैसी बीमारी भी नहीं होगी। तो दोस्तों बात करते हैं अग्नि के प्रकारों की। तो ये मुख्य अग्नि जो होता है जठराग्नि, यह मुख्य होता है। धातुअग्नि जो होता है सप्त धातु की, ये धातु हर धातु में पचक अग्नि होता है, उसलिए धातु सारता हमें प्राप्त होती है। जो पंच महाभूताग्नि होते हैं, 5 महाभूतों से जो शरीर बना है, वो हमारा जो इंद्रिय है, पंच इंद्रियों को विषय ज्ञान कराने में हमें मदद करते हैं। इसके बारे में हम मॉडर्न व्यू देखने जाते हैं तो इसके बारे में वो पाचन के संबंध में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, पाचन के बारे में सब उनके पास जानकारी है, जैसे कि सलाइवर सीक्रेशन क्यों होते हैं, कौन करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में कितने टिश्यू है, कितने सेल है, उसमें कितने डीएनए है, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेशन के कंटेंट क्या है, कौन सी मात्रा में है, कितने प्रमाण में है, पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेशन होते हैं, कहाँ से होते हैं, ये सब उनके पास जानकारी है। ये अच्छी बात है, ये सब ज्ञान हमने भी लेना चाहिए, सबको सिखाना भी चाहिए, वो मालूम होना भी चाहिए। लेकिन वो कौन सी ताकत है जो इन सब से ये सब कार्य करवाती है, तो दिस पॉइंट इज मिस बाय द रिसर्चर एंड स्कॉलर्स ऑफ फ्रॉम द मॉडर्न मेडिकल साइंस दोस्तों, और इसका कारण आयुर्वेद में है। अग्नि है जो हमारे सब ग्रंथियों से काम कराता है, जैसे कि बाल्यावस्था में कुछ ग्रंथियां काम करती है, वही जब हम यौवनावस्था को प्राप्त करते हैं तो वही ग्रंथियां सीक्रेशंस कम कर देती है, जैसे हम बुढ़ापे में वृद्धावस्था में जाते हैं तो कुछ ग्लैंड्स अपने आप कार्यान्वित हो जाती है। तो ये जैसे जैसे अग्नि जिस जिस अवस्था में जाता है उसके हिसाब से वो सीक्रेशन कराता है। तो अग्नि इज द पोटेंशियल पावर इन आवर बॉडी, तो अग्नि के द्वारा ही ये सब काम कर होता है दोस्तों। मॉडर्न मेडिकल साइंस अनफोल्ड द एवरी फंक्शन ऑफ द एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हाउ एंड एग्जैक्टली ये होता है, बट व्हाई इसका देर इज नो आंसर। तो ये कैसे होता है उसका एग्जैक्टली वो पैथोजी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी सब बता सकते हैं, लेकिन वो क्यों होता है उसके पीछे वो एग्जैक्ट कॉज अनोन के छोड़ देते हैं। इसलिए दोनों शास्त्रों का अध्ययन करना अनिवार्य है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी और आयुर्वेद का भी, और इनको एक करना चाहिए। और इस तरह से मेडिकल डिग्री तैयार करके जो अभी मोदी सरकार लाने जा रही है, तो ऐसा करके ही हम पूरे तरीके से पूरे ज्ञान प्राप्त वैद्य डॉक्टर बना सकते हैं दोस्तों। इसे मिक्सोपैथी कहकर अपमान मत कीजिए दोनों शास्त्रों का, क्योंकि एकम शास्त्रम अधियानो न विद्याशास्त्रम निश्चयम तस्मात् बहुशुद्धम शास्त्रम विजानीयत चिकित्सकः। चिकित्सक को एक शास्त्र पर निर्भर होकर प्रयोग नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो प्रयोग हमेशा गलत साबित होते हैं, इसलिए चिकित्सक ने अनेक शास्त्र पढ़ने चाहिए। मृत होने पर हमारे शरीर क्रिया रुक जाती है, वो क्यों रुक जाती है, विशिष्ट आयु की ग्रंथियों में कार्यान्वित होते कुछ का कार्य रुक जाता है, कुछ का बढ़ जाता है। दोस्तों इसके बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा कि एक ही घर में दादाजी होते हैं, पिताजी होते हैं और बेटा होता है, 3 पीढ़ियाँ होती है, सब के सब एक ही तरीका का खाना खाते हैं, लेकिन तीनों पर परिणाम अलग अलग होता है। जैसा कि जो वही खाना बेटा खाता है तो उसकी ग्रोथ होती है, उसके पिताजी खाते हैं
जो घर का कर्ता धर्ता पुरुष होता है वो खाता है तो उसका शरीर बलवान होता रहता है, और वही खाना जब उसके पिताजी मतलब घर में जो बुजुर्ग आदमी है वो खाते हैं तो उसका शरीर सिर्फ टिकने लायक रहता है या उसकी वृद्धि नहीं होती है, उल्टा जीत होती रहती है, हानि होती रहती है। तो एक ही प्रकार का खाना एक ही वक्त पर सबने खाने के बाद में परिणाम अलग अलग क्यों होते हैं, तो इसका आंसर मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, और इसका उत्तर है अग्नि। क्योंकि शरीर का अग्नि थम जाता है, कम हो जाता है, उसकी तीक्ष्णता कम होती है, इसलिए ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न परिणाम हमें देखने को मिलता है। अग्नि प्लेइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन अवर लाइफ, अग्नि अनुचरे तो ऐसा चर सूत्र स्थान में कहा है, इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में अग्नि को अनन्य साधारण महत्व है। यज्ञम अग्निम स्टोम आदि कुरियात ऐसा चर्क सूत्र सार में कहा गया है। स्टमक मतलब जो हमारा जठर है यह एक यज्ञ कुंड है, आहार जो है वो उसकी संविदा है, मतलब जैसे यज्ञ में हम आहुति डालते हैं अग्नि द्वारा वह देवताओं को पहुँचाया जाता है, वैसे ही यज्ञ कुंड रूपी जठर में हम जो आहार रूपी आहुति डालते हैं वह अग्नि द्वारा ही शरीर में पहुँचाने का काम करता है। जिसको स्वस्थ रहना है वो उसने अपने अग्नि को संभालना चाहिए। अग्नि का खाद्य आहार होता है। अग्नि संभालने के उपाय क्या क्या है दोस्तों? अपना अग्नि अच्छे से संभालने के लिए सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले ही खाना खाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में पानी पीने के सिवा और कुछ पेट में नहीं जाना चाहिए। अध्यक्षण ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अतिशन नहीं करना चाहिए। अग्नि विरुद्ध जो होता है आहार अतिशीत अतिस्निग्ध, आपका अग्नि कम है और आपने ज़्यादा गुरु पदार्थ पचने में जड़ पदार्थ खा लिए, ज़्यादा स्निग्ध पदार्थ खा लिए, तो ये अग्नि विरुद्ध है। मिथ्या आहार विहार करना, अकाली भोजन करना, क्रम के विरुद्ध करना, विरुद्ध आहार करना, बासा अन्न दूषित अन्न खाना, ये सब से अन्न अग्नि खराब होता है, तो ये चीज़ें टालनी चाहिए। दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा कि इसका स्थान अग्नेशय है, डायबिटीज़ का और अग्निमान्य का बहुत नज़दीक का संबंध है। हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि डायबिटीज़ में मधुमेह में ब्लड शुगर नॉर्मल होती है लेकिन फिर भी शरीर का नुकसान होता रहता है, क्यों? तो ब्लड शुगर कंट्रोल होना यह कोई ठीक होने का पैरामीटर नहीं है दोस्तों। तो शरीर हानि होती रहती है क्योंकि अग्नि बुझ गया होता है, अग्नि कम हो गया होता है शरीर का, सब 13 प्रकार का अग्नि कम हो गया होता है, इसलिए शरीर जल्दी झीज होती रहती है। तो इसलिए अग्नि पर ध्यान देना चाहिए। मतलब सिर्फ आप शुगर कंट्रोल करने का अगर एम रखेंगे तो वो पूर्ण चिकित्सा नहीं हो सकती। यह मुद्दा अन्य शास्त्रों में मिस किया गया है, इसलिए आयुर्वेद में जड़ से बीमारी ठीक होती होने की प्रशंसा की गई है। अगर आप सिर्फ शुगर नॉर्मल है इसलिए आपका डायबिटीज कंट्रोल में ऐसा कहेंगे तो बीमारी ठीक होने का लक्षण नहीं है। अग्नि सिद्धांत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है दोस्तों। अग्नि सिद्धांत यह जो है यह एक शाश्वत सिद्धांत है। सुश्रुत संहिता में अग्नि चिकित्सा में अग्निकर्म भी कहा गया, वो अलग टॉपिक है, उसको हम अलग इस वीडियो में बताएंगे। बाह्य अग्नि के साथ में इसका साम्यता करके, मतलब जो आपको बाहर अग्नि जो मिलती है चूल्हे में तो उसकी साम्यता आप शरीर के साथ मत कीजिए, इससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये मैं शरीर के जठराग्नि मतलब जो पाचक पित्त होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सम अवस्था में यह प्राकृत कार्य करता है और विषम अवस्था में यह ज़्यादा होने पर जलन होता है। जब हम बोलते हैं हमारे शरीर में जलन हो रही है तो जलन मतलब वहाँ पे थोड़ी आग होती है, तो ये एसिडिटी की जो आग होती है ये पित्त में जो अग्नि होता है कुपित हुआ अग्नि होता है, दूषित नॉर्मल नहीं, क्योंकि नॉर्मल अग्नि कभी आग जलन नहीं पैदा करता है। तो यह जो है ये दूषित पित्त एसिडिटी में जलन देता है। चिकित्सा क्षेत्र में जिसे हम काय चिकित्सा कहते हैं, वो काय चिकित्सा मतलब वही अग्नि चिकित्सा है, ये जो मेडिसिनल ब्रांच है वही एक अग्नि चिकित्सा है। तो इसके बारे में आचार्य कहते हैं कायस्य नाम अंतरग्नि है, मतलब शरीर का जो अंतरग्नि है वह काय है। जठराग्नि प्राणी नाम अग्नि काय इत्यादि देते यस्त चिकित्सितम दंतम, ऐसा आचार्य भोज कहते हैं। जीवन जठराग्नि पर निर्भर होता है। काल मृत्यु जो होता है, जिसका काल मृत्यु नजदीक आया होता है उसका खाना पीना छूट जाता है, अग्नि बुझने पर कगार पर होता है, अग्नि बुझने के कगार पर होता है, इसलिए उसका खाना पीना छूट जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। तो यही कारण है अग्नि ही हमारे जीवन की प्राण है। रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नौ, सब रोगों का कारण मंद अग्नि है। अग्नि का प्रमुख स्थान जो बताया गया है वो ग्रहणी बताया गया है, ड्यूओडेनम जिसे कहते हैं, वह अग्नि जो है हमारे शरीर का यह पित्त के आश्रय से रहता है। अग्नि के चार प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। अग्नि सुशारीरिषु चतुर्विदो विशेषो बल वेदेन भवति, आचार्य ने कहा है मंदाग्नि तृष्णाग्नि विषमाग्नि यानी समाग्नि, ऐसे चार प्रकार के अग्नि कहे गए। समस्त रक्षणम कार्यम, योग रत्नाकर जी ने ऐसे सम अग्नि का रक्षण करने की बात कही गई है। एकाशनम सर्वपरिणाम श्रेष्ठतमम, एक जो व्यक्ति एक वक्त का खाना खाता है वो उसके लिए सब परिणाम जो मिलते हैं दुनिया में उन परिणामों में श्रेष्ठ होता है, ऐसा उन्होंने कहा है।
अग्निमांद्य की चिकित्सा, अगर किसी को अग्निमांद्य है, भूख नहीं लगती है, अग्निमांद्य खाया वो पचता नहीं है, बहुत देर लगती है पचने में, तो उसके लिए उन्होंने लंघन करना चाहिए, जिसे हम उपवास कहते हैं, उष्ण जलपान करना चाहिए। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत बहुत अच्छी दवाई है, जैसे कि अग्नितुंडी वोटी हो गई, इंग्वाष्टक चूर्ण हो गया, भास्कर लवण चूर्ण हो गया, लक्षणादी वोटी हो गई, आम पचकोटी हो गई, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैद्य और डॉक्टर का परामर्श जरूर लीजिए, इस वीडियो से आप आपकी खुद की ट्रीटमेंट करने का प्रयास मत कीजिए, ऐसे हमारे आपको विनती है। लंघन के बारे में आचार्य जी कहते हैं, आहारम अग्निम पचती दोषान आहार वर्जिता, अग्नि को पचाने के लिए आहार न मिलना तो वह अपने शरीर के दोषों को ही पचाने का काम कर देता है, व्याधि उत्पत्ति कर जो भाव होते हैं उसको पचा कर समाप्त कर देता है। मतलब हम जो उपवास करते हैं, जो लंघन करते हैं, एक वो हफ्ते में एक बार नहीं खाते, तो ये जो अग्नि होता है ये हमारे शरीर में जो दोष उत्पन्न हुए होते हैं उन दोषों को ही खाने को शुरू कर देता है, खत्म कर देता है, पचा देता है। इसलिए दोस्तों उपवास करना चाहिए। अगर आपको अध्यात्म पर विश्वास नहीं है तो अपने शरीर के लिए उपवास कीजिए। तो ये शास्त्र में इसीलिए उपवास करने का कहा गया है कि अगर आपको अध्यात्म और मोक्ष की प्राप्ति करने को, तो आपका शरीर अच्छा होना चाहिए, और शरीर अच्छा होने के लिए आपको उपवास भी करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर अच्छा रह सके, अग्नि सम प्रमाण में रह सके। जैसे कि हम हर हफ्ते में छुट्टी लेते हैं, रविवार के दिन आराम करते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर को पचने की जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, तो उस सिस्टम को भी आराम देने के लिए और उसको आराम देकर वापस पुनर्शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे आराम देना चाहिए उपवास करके। तो दोस्तों ऐसा ये अग्नि है। तो अग्नि और पित्त एक ही है या भिन्न है, इसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। उसके बारे में आचार्य कहते हैं, अग्नि रेव शरीरे पिता पित्तांतर्गत कुपिता अकुपिता शुभाशुभानि करोति। मतलब अग्नि अकुपित अवस्था में होता है तो पित्त प्रवित्त में प्रविष्ट होकर पचन का काम करते हैं, और अग्नि कुपित अवस्था में जाता है होता है तो पित्त में प्रविष्ट होकर वह अजीर्ण पैदा कर देता है। जैसा कि मैंने हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अजीर्ण की चार अवस्थाएं होती है, तो यह अगर कुपित हो जाता है अग्नि तो यह अजीर्ण का काम कर देता है। मतलब पित्त मौजूद है लेकिन उसमें अग्नि अगर नहीं है तो वो कुपित कर देता है। जैसे एसिडिटी में हम देखते हैं कि एसिडिटी में उल्टी होती है और उल्टी होने पर अच्छा लगता है, मतलब पित्त तो होता है लेकिन वो पित्त में अग्नि ना होने की वजह से एसिडिटी होते अजीर्ण होता है, इसलिए वो पित्त निकल जाने पर हमें कुपित पित्त निकल जाने पर अच्छा लगता है, अपनी एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों तो ऐसा है कि पित्त और अग्नि अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि गर्म घी से अगर जलता है तो वो घी से नहीं बल्कि वो घी में जो गर्मी है, उष्णता है, उष्मामान है, तो उससे वो जलता है, और उसके घी के अंदर जो उष्मा होता है उससे वो जलता है। तो अजीर्ण होने पर पित्त में जो अग्नि का न होना, यही एक कारण है। आचार्य चक्रदत्त जो है चर्क टीकाकार, उन्होंने भी पित्त बढ़ने पर अग्नि नहीं बढ़ता है, मतलब अग्नि और पित्त अलग अलग होता है, एक होता तो पित्त बढ़ने पर अग्नि बढ़ना चाहिए था, अग्नि बढ़ने पर पित्त बढ़ना चाहिए था, तो एसिडिटी होने का सवाल ही नहीं होता था फिर, लेकिन कुपित पित्त में अग्नि न होने के कारण एसिडिटी होती रहती है। इसका उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि पित्त का शमन करने के लिए घृत श्रेष्ठ है, लेकिन घृत एक अग्निदीपक भी है, लेकिन और देखा जाए तो अग्नि और पित्त एक अगर मानते हैं तो घी से शमन होना चाहिए था पित्त का, लेकिन ऐसा होते हुए हम नहीं देखते हैं, इसलिए पित्त और अग्नि अलग अलग है। तात्पर्य यह है कि अग्नि एक महाभूत कारण द्रव्य है, तो पित्त यह अग्नि गुण भूष्ट पंचभौतिक कार्य द्रव्य है। स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या कहते हुए भी आचार्य चरजी ने कहा है, सम दोषा सम अग्नि च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न मना है स्वस्थ इत्य भी दिए थे। मतलब जो आदमी नॉर्मल हम किसे कहते हैं, जिसके दोष धातु मल क्रिया सब अग्नि सब नॉर्मल है, देखो समाग्नि च अग्नि नॉर्मल है, इंद्रिय प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, ऐसे आदमी को हम स्वस्थ कह सकते हैं, ऐसे उन्होंने स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या की है। दोस्तों मेरी यह सबसे गुजारिश है कि पाश्चात्य लोग, वेस्टर्न कंट्री वाले लोग ये अग्नि सिद्धांतों को अपना ले और उसको अलग टर्म देकर दुनिया के सामने प्रस्तावित करें, उनके लैंसेट जैसे जर्नल में ये छाप दे कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा अग्नि है, ये है, वो है, वो काम कराता है, तो इसके पहले इस पर वो संशोधन करके ये जारी कर दे इसके पहले और दुनिया के सामने लाए, इसके पहले हमने हमारे सिद्धांतों को जानकर दुनिया के सामने लाना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो हल्दी के जैसे पैटर्न लेने की हम पर गाज गिर सकती है। तो ऐसे हमारे सिद्धांत शाश्वत, हमारे शास्त्र सिद्धांत है दोस्तों, हमारे शास्त्रों पर हमको पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो हो रहा है एक्सपेरिमेंट बेस पर हो रहा है, लेकिन ये अपने साइंस एक्सपीरियंस बेस है दोस्तों, यही एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस में फर्क है। एक्सपेरिमेंट गलत हो सकते हैं, एक्सपीरियंस कभी गलत हो नहीं सकता दोस्तों। ये था हमारा अग्नि विशेष के बारे में, अग्नि विचार एक आयुर्वेद की विशेषता, कंसेप्ट ऑफ अग्नि इन आयुर्वेदा। दोस्तों आशा रखते हैं कि आपको यह विचार अच्छा लगा होगा,
समझने की आपने कोशिश की होगी, शायद समझ भी गया होगा, जिसे हमको सालों लगते हैं। मैंने बहुत प्रयत्नपूर्वक यह वीडियो बना है, जरूर अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।